नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल्स। चैनल नंबर 10 पर हम हाजिर हैं लेकर अपना ये लाइव इंटरैक्टिव सेशन लेकर, जो कि विज्ञान का है। एंड इन साइंस वी आर गोइंग टू स्टडी केमिस्ट्री। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन आई वुड लाइक टू शेयर विद यू द वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट विच इज रिलेटेड टू G20। As you already know that we have the presidency of G20. So we are proud that India assumed the G20 presidency and will convene the G20 leaders summit for the first time in the country in 2023. A nation deeply committed to democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in the history as it seeks to play an important role by finding pragmatic global solutions for the well-being of all. And in doing so, manifest the true spirit of Vasudev Kutumbakam, or the world is one family. So this is the announcement of G20. Let's proceed in this session. We have a science session of class 10th, and the topic of discussion is carbon and its compounds. This is part 2, यानी कि हम पहले ही इसका part 1 पढ़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे एक्सपर्ट जो हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार अरोरा जी हैं। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। डॉक्टर अरोरा, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार राहुल सर। सर, कैसे आज हम पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का पार्ट 2? क्या हम 1 का रिकैप करेंगे ताकि बच्चे अपने आप को हमारे साथ जोड़ सकें और इस पार्ट 2 में शुरू कर सकें? गुड आफ्टरनून टू ऑल लर्नर्स एंड व्यूअर्स। हम पिछले सेशन में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पार्ट 1, जिसमें हाइड्रोकार्बन उसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम चर्चा कर चुके थे, आज इस सत्र में हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के यौगिकों के फंक्शनल ग्रुप्स, IUPAC नोमेनक्लेचर और उसके रासायनिक गुणधर्म के बारे में चर्चा करेंगे। इन दिस सेशन टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फंक्शनल ग्रुप, नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स and chemical properties of some organic compounds. Now, what is functional group? The atom or group of atoms present in the molecule which largely determines the chemical properties are called functional group. Prakriyatmak samuh kise kehte hain? Parmanu ya parmanuon ka samuh jo ki kisi anu ke sath vidyaman ho aur us anu ki rasayanik gunadharm ko darshata ho, use hum प्रक्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे मान लीजिए हमने इथेन लिया, उसका एक हाइड्रोजन हैलोजन के द्वारा रिप्लेस हो गया तो उसमें फंक्शनल ग्रुप हैलो ग्रुप हो गया। अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस हो जाता है तो क्लोरो ग्रुप हो गया, और अगर ब्रोमीन के द्वारा रिप्लेस हो जाता है तो ब्रोमो ग्रुप हो गया। दैट इज इफ hydrogen of the saturated hydrocarbons are replaced by halogen, then functional group is halo group. And if Cl is replaced by hydrogen, then it is known as chloro group. If bromine is replaced by hydrogen, then it is known as bromo group. If one hydrogen atom of the saturated hydrocarbon is replaced by functional group alcohol, that is OH, then it is alcohol functional group. If H is replaced by CHO, then it is known as aldehydic group. If hydrogen is replaced by keto group, then functional group is ketone. And hydrogen is replaced by COH group, then this functional group is carboxylic group. So, हम कह सकते हैं saturated hydrocarbon में अगर hydrogen halo group, alcoholic group, aldehydic group और ketonic group और carboxylic group के द्वारा change हो जाए, प्रतिस्थापित हो जाए, तो वो फंक्शनल ग्रुप्स कहलाएंगे। तो फंक्शनल ग्रुप्स आर दोस ग्रुप विच डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स। नाउ नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। इट इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर मिलियन ऑफ कंपाउंड्स बाय देयर इंडिविजुअल नेम, दस टू सिस्टमेटाइज द नोमेनक्लेचर ऑफ द कंपाउंड IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री has given certain rules which are as follows. First of all, we have to identify the number of carbon atom in the compound. A compound having 3 carbon atom may be known as propane. अब अगर मान लीजिए
नंबर ऑफ कार्बन एटम के द्वारा हम किसी कंपाउंड का नॉमनक्लेचर स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहला मूल उद्देश्य हम उस अनब्रांच्ड कार्बन चेन को गिनेंगे और उसमें कितने कार्बन प्रेजेंट है उन कार्बन को गिनेंगे। जैसे मान लीजिए अगर एक कार्बन की चेन है मेथ लग जाएगा और टू कार्बन का उस कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में टू कार्बन है तो एथ लग जाएगा, और अगर थ्री कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड देन प्रीफिक्स प्रोप, फोर कार्बन आर देयर देन प्रीफिक्स ब्यूट इज टू बी देयर, एंड इफ फाइव कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड देन प्रीफिक्स पेंट इज यूज्ड, एंड इफ सिक्स कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड देन प्रीफिक्स हेक्स इज यूज्ड, एंड इफ द कंपाउंड हैज सिंगल बॉन्ड देन सफिक्स एन इज टू बी यूज्ड। तो हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक कार्बन है और सिंगल बॉन्ड वाले तो मीथेन कहलाएगा, अगर दो कार्बन है और उसमें कार्बन कार्बन के बीच में एक कला बंद है तो वो इथेन कहलाएगा, तीन कार्बन एटम है तो और तीनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो प्रोपेन कहलाएगा, और अगर मान लीजिए किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में चार कार्बन एटम है तो ब्यूट उसको हो गया, और कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स एन लगेगा, और अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में पांच कार्बन है तो प्रीफिक्स पेंट लगेगा और सफिक्स एन लगेगा, तो पेंटेन विल बी द नॉमेनक्लेचर ऑफ दैट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और अगर किसी कंपाउंड में छह कार्बन एटम है तो प्रीफिक्स हेक्स लगेगा और सफिक्स एन लगेगा, तो उस कंपाउंड का नाम हो जाएगा हेक्सेन। मान लीजिए इन केस ऑफ किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो इट इज इंडिकेटेड इन द नेम ऑफ द कंपाउंड विथ आइदर प्रीफिक्स और सफिक्स। अगर मान लीजिए हेलोजन ग्रुप है तो हम प्रीफिक्स से इंडिकेट कर देंगे, और अगर मान लीजिए कुछ दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स हैं तो उन्हें हम सफिक्स से इंडिकेट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए किसी कंपाउंड में कार्बन कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है तो हम सफिक्स इन लगाएंगे, अगर मान लीजिए किसी कंपाउंड में कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो हम सफिक्स आइन लगाएंगे, और अगर मान लीजिए किसी कंपाउंड में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं और उसमें अगर हाइड्रोजन एटम किसी हेलोजन के द्वारा रिप्लेस हो जाए तो उसका प्रीफिक्स हेलो, और हेलो में भी अगर सीएल के द्वारा रिप्लेस हो जाए तो क्लोरो, और बीआर के द्वारा रिप्लेस हो जाए तो ब्रोमो, और अगर किसी कंपाउंड में ओएच फंक्शनल ग्रुप है तो उसमें सफिक्स ओल लगेगा, और अगर किसी कंपाउंड में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो CHO और सफिक्स L लगेगा, और किसी कंपाउंड में कीटो ग्रुप है तो सफिक्स ON लगेगा, और किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप COOH है तो सफिक्स ओइक एसिड लगेगा। इफ द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज गिवन एज अ सफिक्स एंड द सफिक्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप बिगिंस विद वोवल्स AEIOU देन द नेम ऑफ द कार्बन चेन इज मॉडिफाइड बाय डिलीटिंग द फाइनल ई with adding the appropriate suffix. For example, अगर three carbon की chain है with a keto group, then the name of the compound is propanone. If the carbon chain is unsaturated, then the final N is replaced by ene. If triple bond is present, then the name final N is replaced by ine. देखिए कुछ कंपाउंड्स के नॉमनक्लेचर हम इस ऑर्डर से समझाना चाह रहे हैं। अगर मान लीजिए पहला कंपाउंड है, इसमें आप देखिए कार्बन की चार कार्बन की चेन है तो यहाँ पे प्रीफिक्स ब्यूट लग गया, और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो सफिक्स इन लग गया, तो इसका कंपाउंड का नाम हो गया ब्यूट इन। अब यहाँ गौर करने लायक बात यह है कि जो डबल बॉन्ड है वो पहले नंबर कार्बन एटम पे, तो इस कंपाउंड का नाम हम करेंगे ब्यूट वन इन। अब आप देखिए यहां पर स्ट्रक्चर नंबर टू की ओर देखें तो तीन कार्बन का कंपाउंड है तो इसमें प्रीफिक्स लग गया प्रोप, और डबल बॉन्ड है तो प्रोप इन, और यहां पे थर्ड कंपाउंड की ओर ध्यान देंगे तो यहां पर इस कंपाउंड में दो कार्बन एटम है तो प्रीफिक्स इथ लग गया, और डबल बॉन्ड है तो सफिक्स इन लगा, तो इस कंपाउंड का नाम होगा इथीन।
अगर मान लीजिए किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो वो एल्काइन सीरीज हो गई, जैसा कि हम पिछले सत्र में पढ़ चुके थे होमोलोगस सीरीज में एल्काइन सीरीज के बारे में। तो वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु आपस में ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहे उन्हें हम एल्काइन्स कहते हैं। इन द लास्ट सेशन वी हैव डिस्कस अबाउट द होमोलोगस सीरीज इन विच वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एल्काइन्स, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच द कार्बन कार्बन एटम्स आर जॉइंट टुगेदर बाय ट्रिपल बॉन्ड्स आर नोन एज एल्काइन्स। इन द नॉमेनक्लेचर ऑफ द एल्काइन्स इज बीइंग नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम द प्रीफिक्स इज यूज्ड एंड इफ ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट देन सफिक्स आइन इज यूज्ड। जैसा कि इस पहले कंपाउंड में हम देखेंगे कि यहाँ पे दो कार्बन एटम है, दो कार्बन एटम है तो प्रीफिक्स इथ लग गया और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो सफिक्स आइन लग गया। जब हम इस दूसरे स्ट्रक्चर की ओर देखें तो यहाँ पर तीन कार्बन कंपाउंड है, इस कंपाउंड में तीन कार्बन एटम्स हैं तो यहाँ पर प्रीफिक्स प्रॉप लग गया और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो प्रोपाइन हो गया। अब आप जब हम थर्ड स्ट्रक्चर की ओर देखें तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में चार कार्बन एटम है और चारों कार्बन एटम है इसलिए इसका प्रीफिक्स ब्यूट लग गया और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो सफिक्स आइन लग गया, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया ब्यूट वन आइन। जब हम इस फोर्थ कंपाउंड की ओर देखते हैं तो यहाँ पर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में पांच कार्बन कार्बन एटम आपस में ज्वाइन होकर के लॉन्ग चेन बना रहे हैं और इस कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट ऑन फर्स्ट कार्बन एटम देन द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज पेंट वन आइन। अगर मान लीजिए किसी कंपाउंड में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन हैलोजन के द्वारा रिप्लेस हो जाए और हैलोजन भी सीएल के द्वारा रिप्लेस हो जाए तो यहां पर हम प्रीफिक्स पहले काम में लेंगे, तो प्रीफिक्स हैलोजन का हो गया सीएल का क्लोरो, दो कार्बन एटम है तो इथ एन, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया क्लोरो इथेन। और जब हम इस कंपाउंड की ओर देखते हैं तो तीन कार्बन की चेन है, यहां पर सब्स्टिट्यूएंट प्रतिस्थापी क्रियात्मक समूह पहले कार्बन एटम पर प्रेजेंट है, तीन कार्बन की चेन है अतः इस कंपाउंड का नाम प्रोप इसका प्रीफिक्स हो गया और हेलोजन फर्स्ट कार्बन एटम पर है तो इसलिए इसका नाम हो गया क्लोरोप्रोपेन, और यहां पर हेलोजन फर्स्ट कार्बन एटम पर है तो इसका आईयूपीएसी नाम हो गया वन क्लोरोप्रोपेन कंपाउंड का। अब आप इस स्ट्रक्चर की ओर देखें तो यहां पर एक कार्बन एटम है और बीआर हेलो ग्रुप है तो प्रीफिक्स बीआर का ब्रोमो हो गया, एक कार्बन है तो मेथ एन, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया ब्रोमो मेथेन। जब हम यहां पर इस कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड में चार कार्बन की चेन है, फंक्शनल ग्रुप ब्रोमीन है तो प्रीफिक्स ब्रोमो होगा और ये ब्रोमो पहले नंबर कार्बन एटम पर प्रेजेंट है इसलिए इस कंपाउंड का नाम वन ब्रोमो ब्यूटेन हो गया। जब हम एल्कोहल के नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो यहां पर आप देखिए दो कार्बन एटम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की कार्बन चेन में दो कार्बन एटम है तो इथ एन हो गया। अब यहां पर हम इस फंक्शनल इस कंपाउंड में से इथेन में से ई डिलीट करके फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लगाएंगे तो कार्बन है तो इथेन ओल सफिक्स ऑफ एल्कोहल, तो दो कार्बन इथेन नॉल इज द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। जब हम यहां पर चार कार्बन की बात करते हैं तो इस कंपाउंड का नाम हो गया ब्यूटेनॉल, एक दो तीन चार कार्बन है तो ब्यूटेनॉल। और अगर मान लीजिए यहां पर एलडीआईडी ग्रुप प्रेजेंट है तो इथेन में से वुड वर्ड रूट ई माइनस करेंगे और इसका सफिक्स एल लगाएंगे तो इस कंपाउंड का नाम दो कार्बन है तो इथेन में से वर्ड रूट ई डिलीट करके हम
इसका सफक्स अल लगाएंगे तो इस कंपाउंड का नाम हो गया इथेनल। और यहाँ पर आप देखें तो एक दो तीन चार कार्बन की चेन है, तो ब्यूटेन मूल कंपाउंड हो गया इसका, तो उसका ई डिलीट करके एल्डिहाइड ग्रुप का सफिक्स अल लगाएंगे तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा ब्यूटेनल। अगर हम यहाँ पर कीटोन की बात करें नोमेनक्लेचर में, तो कीटोन में आप ये देखें तीन कार्बन में तो प्रोपेन इज द पेरेंट कंपाउंड, इस प्रोपेन में ई डिलीट करके कीटोन का सफिक्स ऑन लगाएंगे तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा प्रोपेनॉन। और जब हम इस कंपाउंड की ओर ध्यान देंगे तो इस कंपाउंड में चार कार्बन की चेन है, तो ब्यूटेन इज दी मेन कंपाउंड एंड दी ई ऑफ ब्यूटेन इज बीइंग डिलीटेड एंड सफिक्स ऑफ कीटोन ऑन इज टू बी एडेड, देन द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी ब्यूटेनॉन। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे तो यहाँ सफिक्स ओइक एसिड लगता है, किसी भी कंपाउंड में अगर COOH ग्रुप, दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो उसमें सफिक्स ओइक एसिड लगता है। अब यहाँ पर अब इस कंपाउंड में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर एक कार्बन का मेन कंपाउंड है और COOH लग गया तो सफिक्स ओइक एसिड लग गया तो इस कंपाउंड का नाम हो गया मिथेनोइक एसिड। अगर मान लीजिए तीन कार्बन है तो तीन कार्बन में प्रोपेनोइक एसिड इज द करेक्ट IUPAC नेम। और इस कंपाउंड की ओर ध्यान दें तो यहाँ पर दो कार्बन है, तो दो कार्बन है तो इथेन में से ई डिलीट करके सफिक्स ओइक लगा दिया तो इस कंपाउंड का नाम हो गया इथेनोइक एसिड। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड, the chemical properties of the carbon compounds are as follows. The first and the foremost chemical property of the carbon compound is combustion. The complete combustion of carbon compound with air gives carbon dioxide, water, heat and light. That is, ethanol on combustion leads to the formation of CO2 and water, heat and light. हम कह सकते हैं जब इथेनॉल का दहन कराएंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होगा और कुछ ऊष्मा और लाइट भी प्राप्त होगी। कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न विद अ ब्लू फ्लेम इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन। जब मीथेन की जब हम कंबशन कराते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्राप्त होता है और यहाँ पर हीट और लाइट इवॉल्व होगी। इन प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम व्हाइल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न्स विद अ येलो स्मोकी फ्लेम। अगर मान लीजिए कोई बर्नर स्टिक्ड हो गया है तो अब आप देखिए गैस बर्नर के ऊपर जब हम कुकिंग यूटेंसिल्स को लगाते हैं तो कई बार ये देखा जाता है प्राय कुकिंग यूटेंसिल्स के जो बॉटम है वो काला हो जाता है। ये काला क्यों हो जाता है? क्योंकि लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिलती है और वो फ्यूल कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाता, इसलिए वो कुकिंग यूटेंसिल्स काले हो जाते हैं। द गैस एंड केरोसिन स्टोव यूज्ड इन होम has inlet for to burn with a clean blue flame. Due to the presence of some amount of nitrogen and sulfur, petroleum produces carbon dioxide and oxides of nitrogen and sulfur, which are major pollutant in the atmosphere. Now the second chemical property of carbon compound is oxidation. That is, oxidation of ethanol in the presence of oxidizing agent gives ethanoic acid. That is, ethanol on treatment with oxidizing agent KMnO4 or acidified potassium dichromate, it leads to the formation of acetic acid. So those compounds which provides oxygen to the others are known as oxidizing agents. So we can say KMnO4, K
K2CR207, these are the oxidizing agent and which are providing or giving oxygen to ethanol, and the end product of ethanol on oxidation leads to the formation of ethanoic acid. Ethanol ka agar hum oxikaran karayenge KMNO4 aur K2CR207 oxikarak ki upasthiti mein, to ethanol oxidize hokar ke hame ethanoic acid dega. Next chemical property of the organic compound is addition reaction, yogaj abhikriya. Those reaction in which atom or group of atoms are added to the unsaturated hydrocarbon, they joins together to form an additive product, and these type of reactions are known as addition reaction. And in addition reaction, the unsaturated hydrocarbon are being converted into saturated hydrocarbon. Yogaj abhikriya kise kehte hain? Ve abhikriya jisme parmanu ya parmanuon ka samuh किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में योग करेगा, तो योग करके वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन देगा. तो हम कह सकते हैं योगज अभिक्रिया में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाती है. एडिशन रिएक्शन का उदाहरण है एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन विद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज निकल प्लैटिनम और पैलेडियम. They forms the saturated hydrocarbon, and this reaction is known as hydrogenation reaction. हम कह सकते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को अगर हम हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेंगे रेने निकल प्लैटिनम या पैलेडियम की उपस्थिति में, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाएगा, और इस अभिक्रिया को हम हाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन. आपने दैनिक जीवन में आप देखते हैं कि वेजिटेबल ऑयल्स का जब हम हाइड्रोजनीकरण कराएंगे रेने निकल कैटलिस्ट की उपस्थिति में, तो वो वेजिटेबल घी बन जाता है, एनिमल फैट्स में कन्वर्ट हो जाता है. तो वेजिटेबल ऑयल ऑन ट्रीटमेंट विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लेटिनम और पैलेडियम इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एनिमल फैट्स विच आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन बॉडी. Now substitution reaction, pratisthapan abhikriya. That is an another example of chemical reaction of carbon compounds. Aisi abhikriya jisme parmanu ya parmanuon ka samuh kisi dusre parmanu ya parmanuon ka samuh ko pratisthapit kar de, ya fir hum keh sakte hain adhik kriyashil parmanu ya parmanuon ka samuh kam kriyashil parmanu ya parmanuon ke samuh ko pratisthapit kar de, aisi abhikriya ko hum प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं. दोज रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एटम और ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेसेस द लेस रिएक्टिव एटम और ग्रुप ऑफ एटम आर नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. उदाहरण के लिए जब हम देखते हैं मीथेन का क्लोरीनीकरण कराएंगे हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो हमें क्लोरो मीथेन और HCl प्राप्त होगी. तो मीथेन में चारों हाइड्रोजन धीरे धीरे हैलोजन के द्वारा रिप्लेस हो जाता है. अगर हम मीथेन का क्लोरीनीकरण कराएंगे तो हमें क्लोरोमीथेन प्राप्त होगा, क्लोरोमीथेन का फिर क्लोरीनीकरण कराएंगे तो हमें डाइक्लोरोमीथेन प्राप्त होगा, डाइक्लोरोमीथेन का फिर क्लोरीनीकरण कराएंगे तो हमें ट्राइक्लोरोमीथेन प्राप्त होगा, और ट्राइक्लोरोमीथेन का फिर हम क्लोरीनीकरण कराएंगे तो हमें टेट्राक्लोरोमीथेन कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 प्राप्त होगा. तो हम कह सकते हैं यहाँ पर अधिक क्रियाशील परमाणु या परमाणुओं के समूह ने कम क्रियाशील परमाणु या परमाणुओं के समूह को प्रतिस्थापित कर दिया. इस प्रकार की अभिक्रिया को हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं. नाउ देयर आर सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, और पहला इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड है इथेनॉल. इसका फॉर्मूला है C2H5OH CH3CH2OH कॉमनली नोन एज इथाइल एल्कोहल, IUPAC नेम इथेनॉल, और इसे हम ग्रेन एल्कोहल भी कहते हैं. इसके भौतिक गुण है its physical properties are it is colorless inflammable liquid, it is miscible with water in all proportions, it has no effect on litmus paper, iska litmus patra par koi kriya nahi hoti ji. Yeah, colorless inflammable liquid hai ji. Yeah, sab anupat mein jal mein vilay hota hai.
केमिकल प्रॉपर्टीज। जी सर, आपको सत्र समाप्त करना होगा और मेरा बस प्रश्न अगला यही होगा, बच्चों की ओर से अगर मैं बात करूं कक्षा दसवीं के बच्चों की, तो क्या ये कार्बन और उसके कंपाउंड्स जो है यहाँ समाप्त हो रहे हैं या अभी कुछ और भी बाकी है? ठीक है, लास्ट रिएक्शन में बता देता हूँ जी। अल्कोहल की जब सोडियम के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो हमें सोडियम इथोक्साइड बन जाएगा, और यहाँ पर अल्कोहल का हाइड्रोजन सोडियम के द्वारा रिप्लेस हो गया है। और लास्ट रिएक्शन है इथेनॉल का, जब हम डिहाइड्रेशन कराएंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति, यहाँ पर वाटर निकलेगा, जल विलोपित होकर के इथीन बनेगा। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम इलिमिनेशन या विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। थैंक यू जी, बहुत धन्यवाद। और आपने आज बच्चों को कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ाया डॉक्टर अरोरा, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत आभार आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू। हमारा ये साइंस का कक्षा दसवीं का जो सत्र था ये यही हम समाप्त करेंगे, बट बिफोर गोइंग टू एंड दिस सेशन आई हैव एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट रिगार्डिंग G20। We are proud that India assumed the G20 presidency and will convene the G20 leaders summit in the country in 2023 for the first time. A nation deeply committed to democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in the history as it seeks to play an important role by finding pragmatic solutions for the well-being of all, and in doing so manifest the true spirit of Vasudev Kutumbakam, or the world is one family. So this is the announcement of G20, and with this I would like to conclude this session of science. But don't go away, we'll be right back with the next session of social science for class 9th. So keep watching, stay tuned, eVidya channels. Namaskar.